हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज पूजा खत्री, आपकी मैथ्स की टीचर। तो आज की क्लास में हम करने वाले हैं आपके एक्सरसाइज 2C। चैप्टर नेम है आपका फ्रैक्शंस। ठीक है, तो आपके एक्सरसाइज 2C स्टार्ट करने से पहले हम इसके कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर कर लेते हैं। अभी जो हमने एक्सरसाइज की थी उसमें हमने किया था प्लस माइनस एंड प्रोडक्ट। ठीक है, तो जो आपकी 2C एक्सरसाइज है उसमें क्या होगा, डिवाइड। ठीक है, इसमें क्या करना है हमें, डिवाइड किसको, फ्रैक्शंस को, फ्रैक्शंस का डिवाइड करना है। तो कैसे करना है पहले वो डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आपका आता है पहले तो डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस, ठीक है, आपका डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस। ठीक है, डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस, तो इसमें आपको फर्स्ट टॉपिक आता है रेसिप्रोकल ऑफ अ फ्रैक्शन, कि रेसिप्रोकल करना है आपको किसका, फ्रैक्शंस का। रेसिप्रोकल मींस क्या होता है, रेसिप्रोकल मींस होता है आपको जो नंबर दिए हैं, जो भी फ्रैक्शन दिया है उसका उल्टा कर देना। रेसिप्रोकल मींस होता है आपका ठीक है, आपका रेसिप्रोकल मींस होता है सपोज आपको दिया है एन अपॉन डी, आपके नंबर जो फ्रैक्शन होते हैं इसी फॉर्म में दिया होता है एन अपॉन डी, न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो अगर आपको बोला जाए इसका फ्रैक्शन किया जाए, सॉरी इसका रेसिप्रोकल किया जाए, इट मीन्स ये क्या हो जाएगा, डी अपॉन। ठीक है, रेसिप्रोकल करने का मतलब क्या होता है, नंबर से प्लेस चेंज हो जाते हैं, डी आपका एन बन जाता है, एन आपका डी। क्लियर है आपको, कि अगर आपको बोला जाए नंबर आपको क्वेश्चन में कि आपको जो फ्रैक्शन गिवन है उनका आपको रेसिप्रोकल करना है, तो कुछ नहीं करना, आपको नंबर की पोजिशन को चेंज कर देना है, एन को डी में, डी को एन में। सपोज आपको दिया है 2/3, तो आपको उसके रेसिप्रोकल करने के लिए बोलेंगे तो आपके लिए होगा इसको 3/2, इसका उल्टा कर दोगे। क्लियर है ये? ठीक है, नेक्स्ट आपका फ्रैक्शंस को डिवाइड कैसे करते हैं। पहले तो आपको फ्रैक्शंस जो आपको पहले तो आपको करना है जो डिवीजन करना है आपको होल नंबर का और फ्रैक्शन का डिवीजन कैसे करते हैं, नेक्स्ट फ्रैक्शन टू फ्रैक्शन का डिवीजन कैसे करते हैं। होल नंबर के केस में क्या करते हैं, जैसे आपको मल्टीप्लाई में था सेम ऐसे ही, कि आपका एक नंबर होल नंबर होगा, नेक्स्ट वन इज फ्रैक्शन। जैसे आपको दिया हो लाइक 6/2/4, ठीक है, तो आपका कुछ नहीं दिया इस नंबर के नीचे तो क्या हो गया, 1। तो जब भी ये डिवाइड, अब आप ऐसे डिवाइड तो कर नहीं पाओगे, ठीक है, इस टाइप से डिवाइड करना तो बहुत इजी होता है। ठीक है, कैसे, 6 को 3/ ऐसे लिख के फिर इससे डिवाइड कर दो, ये तो इजी हो जाता है। बट अगर आपको दो इस टाइप से दिया हो तो इस केस में हम क्या करते हैं, जब भी आपको डिवाइड दिया हो तो हम डिवाइड को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई में चेंज, और जब भी इसको मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो इसके साथ जो फ्रैक्शन दिया होता है उसका क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल। कैसे, 6/1 इसे मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया तो इस नंबर पे इसका अफेक्ट पड़ता है, तो ये क्या हो जाता है, चेंज। कैसे, 4/2, जब भी आप डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करोगे तो उसके जो नेक्स्ट नंबर है, जो भी नेक्स्ट फ्रैक्शन है उसका क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल ऑटोमेटिकली। ऐसा नहीं है आपने मल्टीप्लाई करके उसको डायरेक्टली जैसा है वैसे लिख दिया और सॉल्व कर दिया, आपका आंसर गलत आएगा। जब भी आप डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करोगे तो ये नंबर क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल। ठीक है, चाहे वो होल नंबर का केस हो या फ्रैक्शन टू फ्रैक्शन का हो। कैसे, आपको क्वेश्चन में दिया हो 3/9 या 3/7 डिवाइडेड बाय 3/1, तो इसमें हम क्या करेंगे, 3/7 डिवाइड हो जाएगा मल्टीप्लाई में चेंज और ये क्या हो जाएगा, 1/3। डिवाइड को जब भी मल्टीप्लाई में चेंज करना है जस्ट उसके जो साफ वाला नेक्स्ट फ्रैक्शन है उसका रेसिप्रोकल करना है, आगे वाले का नहीं करना, जो उसके बाद का नेक्स्ट, नेक्स्ट मीन्स जो बाद का है आपको उसका रेसिप्रोकल करना है। तो ये है आपका डिवाइड का रूल, ठीक है, इसका आपका रूल भी लिखवा देती हूँ मैं, कि आपको लाइक ए अपॉन बी डिवाइड बाय सी अपॉन डी, लाइक ये कोई फ्रैक्शन दिया है, ये कोई फ्रैक्शन दिया है, ए बी सी डी में इसलिए दिया है क्योंकि ये दोनों नंबर और ये दोनों नंबर सभी अलग होते हैं फ्रैक्शन में मोस्टली। ठीक है, जब इसको हम तो उसका आपका रूल ऐसे होता है ए बाय बी इंटू डी बाय सी। ठीक है, ये है आपका डिवीजन का रूल, ठीक है, डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस का रूल, कि जब भी डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज होता है उसके जस्ट नेक्स्ट नंबर जो नेक्स्ट जो भी फ्रैक्शन है उसका क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल। सबको क्लियर है यहाँ पर, अब हम क्या करते हैं आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। ठीक है,
फिर है आपका फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट के फोर पार्ट। आपको क्वेश्चन में बोला है राइट डाउन द रेसिप्रोकल ऑफ, कि जो आपको नंबर्स दिए हुए, जो आपको फ्रैक्शन या नंबर जो भी दिए हुए हैं उनका क्या करना है, आपको रेसिप्रोकल करके उनको लिख देना है, ठीक है डायरेक्टली। अब 5/8 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 8/5, ठीक है। 7 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या होगा, 1, क्योंकि 7 एक होल नंबर है, ठीक है। ये सिर्फ होल नंबर के केस में होता है, इनके नीचे 1 नहीं होता, ठीक है, सिर्फ होल नंबर के नीचे होता है। अब इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/7। 1/12 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 12/1=12, क्योंकि हम डिनोमिनेटर का 1 शो नहीं करते, ठीक है। अब आपको पहले मिक्स्ड वाले को लाइक में चेंज करना होगा, 12/5 = 60, 60/3 = 63। इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 5/63। क्लियर है, सिंपल है, कुछ नहीं करना है, नंबर्स की पोजीशन को चेंज करना है, डी को एन में, एन को डी में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं, तो ये है आपके सेकंड क्वेश्चन के कुछ क्वेश्चंस, ठीक है, कुछ सम्स हैं, इनको सॉल्व करते हैं। सेम आपका प्रोसीजर अप्लाई, फर्स्ट वाला फ्रैक्शन एज इट इज, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज, और साइड वाले उसका जो नेक्स्ट नंबर है उसका रेसिप्रोकल, ठीक है। अब चेक करते हैं कैंसिल हो रहा है या नहीं हो रहा, 7/1 = 7, 7/2 = 14, कैंसिल हो रहा था ये, ठीक है। नेक्स्ट कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा था, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 4/2 = 8, 9/1 = 9, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 8/9। और इसको हम डिवाइड नहीं करेंगे क्योंकि इसका न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से क्या है, छोटा है, ठीक है। सेकंड करते हैं, 7/10 एज इट इज मल्टीप्लाई 5/3, अब 5/1 = 5, 5/2 = 10, और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, क्या हो जाएगा, 7/1 = 7, 3/2 = 6, बट अब यहाँ पे न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है तो हम इसको डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा, 6/1 = 6, रिमाइंडर बचा 1, तो आंसर हो जाएगा 1/6, क्लियर है। नेक्स्ट करते हैं, इसको थोड़ा सा मैं ध्यान में करता हूँ। नेक्स्ट है आपका फोर्थ, यहाँ होल नंबर है तो नीचे क्या लिखेंगे, 1, 3/9 = 1 × 3/1, ठीक है। अब नीचे दोनों जगह 1 रह गया तो एक्चुअली मल्टीप्लाई करो, 3 और 9 ऊपर है, कैंसिल नहीं होंगे क्योंकि दोनों एक दूसरे के आमने सामने है, दोनों एन एन है, एन और एन, डी और डी कैंसिल नहीं होते, तो ये हो जाएंगे मल्टीप्लाई, 9/3 = 27, और 1 को हम डिनोमिनेटर के शो नहीं करते, ठीक है। क्वेश्चन नंबर करते हैं आपका 24, कितना हो जाएगा, 24/1 × 7/6, 6 के टाइम में 24 आता है, 6/4 = 24, 6/1 = 6, 6/4 = 24, 7/4 = 28, और डिनोमिनेटर को 1 को हम शो नहीं करते। और ये है आपका सेकंड का 7th क्वेश्चन, ठीक है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, पहले से लाइक में चेंज करेंगे, 7/3 = 21, 21/3 = 24, मल्टीप्लाई 21/8, क्योंकि डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज किया तो साइड वाला नंबर का रेसिप्रोकल हो गया, 7/1 = 7, 7/3 = 21, ठीक है। अब 24 और 8 कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि 8 के टेबल में 24 आता है, 8/1 = 8, 8/3 = 24, तो ये हो जाएगा 3/3 = 9, डिनोमिनेटर में 1 हो तो शो नहीं करते, क्लियर है यहां तक सबको। नेक्स्ट करते हैं, तो ये है आपका सेकंड क्वेश्चन का 8th क्वेश्चन एंड थर्ड का 1st, 3rd, 5th एंड 6th, ठीक है, तो उसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। 7/5 = 35, 35/4 = 39, मल्टीप्लाई पहले तो डिवाइड ही रहने दो, उसको भी इसको भी चेंज करना है ना, 10/10 = 3, 13/10, अब चेंज करेंगे, 39/7 × 10/13, 13 के टेबल में 39 आता है 3 टाइम्स में, सॉरी 13/1 = 13, 13/3 = 39,
सेवन और टेन तो एक दूसरे को डिवाइड नहीं करेंगे, कैंसिल नहीं करेंगे, तो कितना हो जाएगा 30/7। अब 7 से 30 को डिवाइड करो कितना आ जाएगा, 7 4 20 8, कितना बचा आपका 2, तो आंसर हो जाएगा 4 2/7। क्लियर है सबको? तो डिवाइड के केस में क्या होता है, एक तो आपको सिंपल डिवाइड का साइन दे दिया जाएगा, जस्ट जो आपका डिवाइड का सिंबल होता है, साइन होता है इस टाइप से, ठीक है, तो भी आपको डिवाइड करना है। बट अगर आपको डिवाइड की जगह लिखा आ जाता है बाय, जैसे कि प्रोडक्ट एंड ऑफ, दोनों का मीन्स क्या होता है, मल्टीप्लाई। सेम एज डिवाइड एंड बाय, दोनों का मीन्स क्या होता है, डिवाइड। ठीक है, चाहे आपको दो फ्रैक्शन या होल नंबर एक फ्रैक्शन के बीच में डिवाइड का साइन आए, चाहे लिखा हुआ आया आपका बाय, तो दोनों के केस में आपको क्या करना है, डिवाइड। ठीक है, ऑफ मीन्स होता है मल्टीप्लाई एंड बाय मीन्स होता है आपका डिवाइड। तो हम क्या करेंगे, डिवाइड इसको प्लेस करके क्या कर देंगे, डिवाइड 1/7/8, क्या हो जाएगा 11/24 मल्टीप्लाई 8/7। 8 1 8, 8 3 24, और कुछ तो कैंसिल होने जाए, तो कितना हो जाएगा 11 7 3 20 1। आपका न्यूमिनेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, तो उसको एज इट इज छोड़ देंगे। नेक्स्ट करते हैं, दोनों आपको मिक्स फ्रैक्शन में है, इसको पहले लाइक में चेंज करेंगे। 9 5 45 45 और 5 50, कितना हो जाएगा 50/9 बाय 3 3 9 और 1 10 10/3, क्या हो जाएगा 50/9 मल्टीप्लाई 3/10। जैसे प्रोकॉल हो गया, 0 से 0 कैंसिल, 3 1 3 3 3 9, कितना हो जाएगा आंसर आपका 5/3, 5/3 हो जाएगा। अब 3 से डिवाइड करो 5 को, 3 1 3 कितना हो जाएगा, 3 1 3 कितना बचा आपका रिमाइंडर 2, तो आपका हो जाएगा 1 2/3। एक सेकेंड, अब करेंगे फिफ्थ क्वेश्चन। 45 कुछ नहीं है, नीचे 1 होगा, डिवाइड की जगह बाय, 5 1 5 और 4 9, 9/9 हो गया आपका 5, सॉरी। और फिफ्थ क्वेश्चन था आपका ये, तो हम क्या करेंगे नेक्स्ट, 45/1 मल्टीप्लाई 5/9, तो 9 1 9 और 9 10 45 आता है, 9 5 45, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 5 5 25, और डिनोमिनेटर में 1 हो तो शो नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 6 एंड लास्ट क्वेश्चन आपका ये, 63/1 डिवाइडेड बाय 2 4 8 और 1 9/4, 63/1 मल्टीप्लाई 4/9, 9 10 63 आता है, बिल्कुल आता है, 9 1 9 9 7 63 और 7 4 20 8, डिनोमिनेटर में 1 हो तो शो नहीं करते। तो आज की क्लास में आपका इतना ही, ठीक है, और जो भी क्वेश्चन में आपको, अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट होता है, तो आप डायरेक्टली मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, एंड जो इसकी वर्ड प्रॉब्लम्स है वो हम नेक्स्ट क्लास की वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।